A very good morning, all of you. Welcome to the 10 Kadam Part 2 NEET 2021 की ओर. तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स. वैसे तो इसका सिर्फ टिश्यू वाला पार्ट आपके नॉट डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन हम हल्का सा कॉकरोच का ओवरव्यू ले लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पॉइंट्स देख लेंगे. तो ये आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा आपके एग्जाम के हिसाब से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. माई सेल्फ डॉक्टर मीनाक्षी द्विवेदी. फाइन बेटा. तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का पिरामिड देख लें और हॉट स्पॉट क्वेश्चन समझ लें बेटा. पेजेस हैं इस चैप्टर में 100 to 121 पेजेस हैं बेटा, लेकिन अब अर्थवर्म ऑफ फ्रॉग डिलीट हो गया है. आपको सिर्फ देखना भी है तो कॉकरोच का हल्का सा ओवरव्यू लेना है, ठीक है. 22 पेजेस का चैप्टर है, 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें एवरेज देखा जाए तो एक क्वेश्चन पर पेज का है. लेकिन हमें जो ध्यान देना है कि वो एक क्वेश्चन भी अगर आए तो वो गलत ना हो. 4 मार्क्स का मतलब क्या होगा, आपकी रैंक 5 से 6 हजार ऊपर आ जाएगी, ठीक है. तो बेटा यहाँ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के पेजेस हैं, दैट आर 101, 102, ये आपके टिश्यू से रिलेटेड पेजेस हैं. 103 भी टिश्यू से रिलेटेड पेजेस हैं. 112 और 114 आपका कॉकरोच है. इतने पेजेस तो हमको किसी भी हाल में बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए. 113 कॉकरोच का है, उसको हम साथ में देख लेंगे. तो 112, 113, 114 और 101, 102, 103, ठीक है बेटा. गुड मॉर्निंग शिप्रा, अभिषेक, रवि, ददासो, गौरव. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम हर चीज को कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी के पेजेस से ही चले, ताकि जब आप उसको देखें तो आपको बुक में तुरंत समझ में आ जाए. यहाँ पे एक क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड होता है कि क्या टिश्यू की प्रॉपर्टीज, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज हैं, वो उसको बनाने वाले इंडिविजुअल सेल्स शो करेंगे कि नहीं करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ अ टिश्यू is shown by its constituent cells or not. Good morning, Rohit. Yes or no? याद रखिएगा बेटा, अगर बहुत सारे सेल्स ने मिलके टिश्यू बनाए हैं तो उस अकेले सेल में ये पावर नहीं है कि वो टिश्यू का काम कर सके, ठीक है. वेरी गुड शिप्रा, ठीक है. तो जब मिलके कोई काम कर रहा है तो वो उसका ही काम होगा, ठीक है. अगर आपको बायो फैकल्टी, फिजिक्स फैकल्टी और केमिस्ट्री फैकल्टी मिलके न्यू लाइट की टीम बना रही है, तो सिर्फ बायो पढ़ा दे, उससे आपका न्यू लाइट का सिलेक्शन नहीं होगा. तीनों को मिलके काम करना होता है, तब होता है, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा. एनिमल टिश्यूज में आपको 4 टिश्यूज याद रखने हैं, जल्दी से चारों के नाम लिखिए. द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इज एनिमल. सबसे पहले है आपका एपिथीलियल बेटा, एपिथीलियल टिश्यू. देन आपका है कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर एंड देन न्यूरल. ये 4 ही टिश्यूज हैं जिससे एनिमल बॉडी में यूज होंगे जो, ठीक है. एपिथीलियल का काम क्या होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, 101 और 102. तो इसको हमको हर एक लाइन टच कर लेनी है. इनका काम क्या है बेटा, लाइनिंग बनानी. अब लाइनिंग 2 तरह से हो सकती है बेटा. जैसे हमारी स्किन की लाइनिंग, ये एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर रही है, ठीक है. और मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर जो लाइनिंग होगी वो इसके अंदर जो भी फ्लूइड बहेगा उसको टच करेगी, ठीक है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट को ही एक्सपोज करेगी. या तो बॉडी फ्लूइड को एक्सपोज करती है या तो एनवायरनमेंट को एक्सपोज करती है. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर कह दिया जाए एपिथीलियल ओनली एक्सपोज टू एनवायरमेंट तो बात गलत होगी. काम क्या है इनका, लाइनिंग या कवरिंग बनाने का. इसके बाद बेटा ये 2 टाइप के हो जाते हैं,
सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। तो सिंपल एपिथेलियल कितनी लेयर की होंगी, सिंपल एपिथेलियल कितने लेयर के बने होंगे? अगर बेटा आप तुरंत तुरंत आंसर करते चलेंगे तो बहुत जल्दी से पूरा रिवीजन हो जाएगा। सिंपल एपिथेलियम जो होती है बेटा वो सिंगल लेयर्ड होती है, एक ही लेयर की बनी है, ठीक है। और कंपाउंड जो होगा वो आपकी टू या मोर लेयर से बनेगी। ठीक है, ये मेन अंतर है सिंपल और कंपाउंड में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल को आगे चल के तीन पार्ट में किया गया है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। नाम से ही पता चल रहा है स्क्वेमस फ्लैटेंड सेल के बने हुए हैं, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल के बने हैं और कॉलुमनर लंबे लंबे स्लेंडर सेल्स के बने हुए हैं। अब सब में आपको पता होना चाहिए कि हर एक का सेल टाइप क्या है और वो कहाँ मिल रहा है, यही क्वेश्चन बस पूछे गए हैं इसे। गुड मॉर्निंग संपू। तो बेटा स्क्वेमस की सेल्स कैसी होंगी? इररेगुलर बाउंड्री, याद क्या रखना है, देखो इसकी बाउंड्रीज कैसी हैं, किसी में इस शेप की हैं, किसी में इस शेप की हैं, तो इररेगुलर बाउंड्री होंगी इसमें। अब स्क्वेमस का काम क्या है बेटा? ये पतली लेयर है तो पतली लेयर किस काम में बेहतर आएगी? बेटा याद करो डिफ्यूजन कब ज्यादा होगा, पतली लेयर से कि मोटी लेयर से? अगर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना है तो लेयर बीच में कैसी होनी चाहिए? पतली लेयर होती है, फ्लैटेंड सेल्स की होती है, मेन काम है इनका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन शब्द से बेटा गैसेस का डिफ्यूजन कहां होता है? गुड मॉर्निंग गोपाल, गैसेस का डिफ्यूजन कहां होगा? गैसेस का डिफ्यूजन किसके किसके बीच होता है बेटा? एयर सैक की वॉल्स और ब्लड वेसल की वॉल, याद आया रेस्पिरेशन वाला चैप्टर? एयर सैक और ब्लड वेसल की वॉल में ये वाली स्क्वेमस आपको मिलेगी, काम क्या होगा? डिफ्यूजन का। अगला है आपका क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नाम से पता चल रहा है क्यूब टाइप की सेल्स होंगी। क्यूब टाइप में अगर बेटा यहाँ पे माइक्रोविलाई टाइप ग्रो कर गए तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फायदा होगा? अगर इनका काम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है तो सरफेस एरिया बढ़ने से फायदा होगा। राधे राधे शिवम। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम है क्यूबॉइडल का भी और कॉलुमनर का भी, ये बात एक ध्यान रखनी है आपको। डिफ्यूजन का काम किसका है? आपके स्क्वेमस सेल्स का। माइक्रोविलाई दोनों में मिलते हैं, कॉलुमनर में भी एंड क्यूबॉइडल में भी। अब ये क्यूबॉइडल मिलेंगे कहाँ पे बेटा? जो भी ग्लैंड्स होती हैं उसकी एक डक्ट होती है बेटा, तो डक्ट्स में मिलेंगे क्यूबॉइडल, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। और दूसरा कहाँ मिलेंगे? नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में, जैसे कि पीसीटी में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में, ये याद रखना है। कॉलुमनर के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना है, लंबे लंबे पतले सेल्स हैं और इनके बेस पे न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? बेस पे, ठीक है, बेस पे होगा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया कॉलुमनर। कॉलुमनर को कैसे याद रखना है बेटा? कॉलुमनर याद रखो कर्नल, कर्नल को गोली लगी स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, तो कॉलुमनर आर प्रेजेंट इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये तो बेटा सिंपल से तीन में बांट दिया गया था। अब कॉलुमनर और जो क्यूबॉइडल है इनके भी दो टाइप के मॉडिफिकेशन मिलते हैं। पहले में क्या होता है, ये सीलिएटेड हो सकते हैं। सीलिएटेड है तो बेटा कैसे, अगर इफ दे आर सीलिएटेड दे विल बी प्रेजेंट इन सॉलिड ऑर्गन्स और हॉलो ऑर्गन्स। सीलिएटेड क्यूबॉइडल और कॉलुमनर किस में मिलेंगे? हॉलो ऑर्गन्स में।
अगर बेटा इनमें सीलिया है, मान के चलिए कोई एक डक्ट है जिसमें सीलिया है, ठीक है, तो ये अपने मूवमेंट से ये म्यूकस को भी मूव करा सकते हैं, या कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उसको भी मूव करा के हटा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ मिलेंगे बेटा? दो ट्यूब्यूल्स याद रखनी है, एक तो ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियोल्स, और फेलोपियन ट्यूब्स कहाँ है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये सब एग्जाम्पल, और कौन सी चीज कहाँ है, अभी हम लास्ट में आपको एक चार्ट दिखाएंगे, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है वो तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब बेटा एक तो सीलिएटेड का मॉडिफिकेशन होगा इन दोनों में। सॉरी रवि, क्वेश्चन आपका देखा था मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब होगी तब ऑस्मोसिस होगी। बिल्कुल सही संपू, वेरी गुड बेटा। अब बेटा इसमें दूसरा मॉडिफिकेशन क्या होता है कि ये ग्लैंड की तरह एक्ट करने लगे, स्पेशलाइज्ड हो जाए और ग्लैंड की तरह एक्ट करने लगे। तो अब यूनि सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? यूनि सेलुलर ग्लैंड, यहाँ पे एग्जाम्पल सी याद करने हैं बेटा। यूनि सेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है? ये देखो बेटा, एक सेल है और यही ग्लैंड में बदल गई है, सिंगल सेल्स बदल गई है ग्लैंड में। एग्जाम्पल क्या होगा? गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल, और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है सेलिवरी ग्लैंड। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? सेलिवरी ग्लैंड। आपको इतना पॉइंट वाइज ऐसे ही याद रखना है, ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बेटा ग्लैंड भी दो टाइप की हो जाएंगी, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। एक एक्सोक्राइन होगी और एक एंडोक्राइन होगी। एक्सोक्राइन का क्या मतलब है? इसमें डक्ट होगी कि नहीं होगी? एक्सोक्राइन में डक्ट होगी कि नहीं होगी बच्चों? चैट आज भी कुछ स्लो है क्या? याद रखना बेटा, हम लोग जो भी हार्मोन सिक्रीट करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहते हैं डक्ट लेस ग्लैंड, मतलब डक्ट नहीं होती है और ये सिक्रीट क्या करती हैं? हार्मोन्स। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बेटा? इनमें डक्ट होती है, तो जितनी भी चीजें सिक्रीट हो रही हैं, जैसे कि सलाइवा, म्यूकस, एंजाइम्स, ईयर वैक्स, ये सब कौन सेक्रीट करेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ददासो बेटा, एक्सोक्राइन में ग्लैंड होंगी, एंडोक्राइन में ग्लैंड नहीं होंगी। हॉर्मोन्स हमेशा डक्टलेस ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन इज डक्टलेस एंड एक्सोक्राइन आर विद डक्ट्स, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीजें सिक्रीट होती हैं वो किससे सिक्रीट हो रही हैं? आपकी एक्सोक्राइन से। ये पूरा कहानी था सिंपल एपिथीलियम का। अब इसके बाद आता है कंपाउंड एपिथीलियम। ये देखिए, अभी तक आप सिंगल लेयर देखते थे, अब यहाँ पे कई लेयर में है, दिस इज कंपाउंड एपिथीलियम। हाँ बेटा, एक्सो में होता है, एक्सो में ग्लैंड वो डक्ट होती है, एंडो को ही कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। अगर बेटा कोई मोटी सी लेयर है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देने का। जब एथलीट कूदते हैं तो नीचे गद्दे रख दिए जाते हैं, क्यों? ताकि उनको चोट ना लगे। तो मोटी चीजों का काम क्या है? प्रोटेक्शन देने का। प्रोटेक्शन किन किन चीजों से दिया जा सकता है? कोई आपको झटका लगे, मैकेनिकल स्ट्रेस, या कोई एसिडिक या अल्कलाइन लिक्विड हो उससे बचाया जा सकता है। तो किस किस से बचाएगा? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसको अंडरलाइन इसीलिए कर दे रही हूँ। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है बेटा, इसको याद ऐसे करिएगा, मुंह से शुरू कीजिए। बक्कल कैविटी, इसी में सेलिवरी ग्लैंड की डक्ट, ठीक है। इसके पीछे आ गया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ जाएगा पैंक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। कहाँ कहाँ मिली? बक्कल कैविटी, सेलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, देन पैंक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड की डक्ट में मिलती है ये। अब बेटा जंक्शन से पीछे क्वेश्चन पूछा जा सका है, तीन टाइप के जंक्शन हैं, तीन टाइप के जंक्शन हैं बेटा।
तीन टाइप के जंक्शंस हैं। अब मुझे बताइए किस जंक्शन के अक्रॉस बिल्कुल भी सब्सटेंस लीक नहीं होगा। सब्सटेंस इधर से उधर किसी भी सेल में इधर उधर नहीं कर सकता है, कौन सा जंक्शन होगा? टाइट जंक्शन, बिल्कुल सही बेटा। और जिसमें एक एक सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में इंटरचेंज हो सकता है उसे क्या कहेंगे बेटा? जब किसी जंक्शन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में आयंस या मटेरियल इधर उधर जा सके उसे आप क्या कहेंगे जंक्शन को? टाइट तो शब्द से ही कह रहा है, टाइट जंक्शन है, कुछ भी इधर से उधर नहीं जाएगा। गैप जंक्शन, बिल्कुल बढ़िया। और बेटा जिसका काम सिर्फ जोड़ के रखने का है और कुछ मतलब नहीं है उसको क्या कहेंगे? जिसका काम सिर्फ सीमेंटिंग का है, दो बगल की सेल्स को सीमेंट की तरह जोड़ने का है, दो ईंटें जोड़ते हैं ना सीमेंट से, वैसे जोड़ने का है, उसे क्या कहेंगे आप? एडहेरिंग जंक्शन। बस बेटा यही देखिए, पॉइंट टू पॉइंट इसमें क्वेश्चन बनने हैं, कुछ दाएं बाएं नहीं होना है, बस एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। स्क्वैमस याद रखना है, एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स डिफ्यूजन का काम रहेगा। कॉलमनर क्यूबॉइडल काम क्या है इनका? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे कॉलमनर और क्यूबॉइडल पे। कॉलमनर कर्नल ने को गोली कहाँ लगी थी? स्टमक एंड इंटेस्टाइन याद रहना है। आपका जो क्यूबॉइडल है उसमें क्या था? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड नेफ्रॉन की टिब्यूल्स। अब आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्शन का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कोई कनेक्टिव टिश्यू किन चीजों से मिलके बनता है? कनेक्टिव टिश्यू किन चीजों से मिलके बनता है? जल्दी से बताइए। देखो बेटा तीन कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह इसको याद कर लेना है। एक तो इसमें कोई ना कोई सेल होंगी जो फाइबर्स को सिक्रीट करेंगी, तो पहली चीज होती है सेल्स, फिर जो फाइबर्स सिक्रीट होते हैं फाइबर्स, और तीसरी चीज होती है ये जिस ग्राउंड सब्सटेंस में है या जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब बताओ ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं मिलते हैं? किस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स नहीं मिलेंगे? यस बिल्कुल सही रोहित, सेल फाइबर और मैट्रिक्स इसके तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लेकिन किस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स नहीं मिलेंगे? ब्लड। वेरी गुड बेटा, ब्लड में फाइबर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलग सा क्वेश्चन था इसलिए पूछा था। अब बेटा ये जो आपके फाइबर्स हैं ये कौन कौन से फाइबर्स हो सकते हैं? इन फाइबर्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं? या तो कोलेजन फाइबर्स होंगे या तो इलास्टिन फाइबर्स होंगे, ठीक है। अब पहला जो टाइप है आपका कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। अब इन दोनों में से एरियोलर और एडिपोज में किसी स्पेशल काम के लिए कौन सा बना है? एरियोलर और एडिपोज में किसी स्पेशल काम के लिए कौन सा बना है? बिल्कुल सही हर्षिता, वेरी गुड बेटा। एडिपोज, एडिपोज बेटा स्पेशल काम क्या करता है? फैट को स्टोर करता है बॉडी में। अच्छा इन दोनों एरियोलर और एडिपोज की लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरियोलर एंड एडिपोज? कहां पे मिलेंगे एरियोलर और एडिपोज?
बेटा ध्यान रखिएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, ठीक है, स्किन के नीचे मिलते हैं। एरियलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे मिलते हैं। तो ये था लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, डेंस है मतलब घना घना है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा इसमें। अब बेटा इसमें रेगुलर अगर पैटर्न है, फाइबर्स एक रेगुलर पैरेलल फैट पैटर्न में है, तो आप इसको क्या कहेंगे, डेंस रेगुलर। और अगर इररेगुलर है तो आप कहेंगे डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर के दो प्रकार हैं, डेंस रेगुलर के दो प्रकार हो जाते हैं, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट। अब मुझे ये बताइए, लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है, बोन्स को स्केलेटल मसल से कि बोन्स को बोन्स से? लिगामेंट किसको किससे जोड़ेगा, बोन्स को स्केलेटल मसल से कि बोन्स को बोन्स से? बिल्कुल सही, लिगामेंट एंड टेंडोन सबको याद है, बहुत अच्छी बात है। यस, लिगामेंट, लिगामेंट जोड़ता है बोन टू बोन। लिगामेंट रप्चर हो गया, जब हमें शक होता है कि हमें फ्रैक्चर हुआ है तो कभी कभी सिर्फ लिगामेंट रप्चर बताता है, ठीक है? तो याद रखना, लिगामेंट फ्रैक्चर और बोन टू बोन। और टेंडोन में क्या होता है बेटा, बोन टू मसल, बोन से मसल को जोड़ता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बेटा डेंस इररेगुलर में याद रखना, इट इज प्रेजेंट इन द स्किन। दोनों वर्ड्स ध्यान रखना बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ द स्किन मतलब स्किन के नीचे, ठीक है? और जो आपका डेंस इररेगुलर टिश्यू है वो कहाँ है, स्किन के अंदर, डर्मिस में, ठीक है? बस इतना आपका दिया हुआ था। इसके बाद स्पेशलाइज टिश्यू आ जाते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, प्लायबल कौन है, कार्टिलेज, और बोन्स में प्लायबल इज कार्टिलेज। इसके स्पेशल टाइप की सेल का नाम कॉन्ड्रोसाइट है, इसीलिए कॉन्ड्रिक्थिस था फिशेस का नाम, कार्टिलेजिनस फिशेस का नाम। जबकि बोन्स में क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स के काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन करता है, अगर आगे रिबकेज ना हो तो हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, वेट को, हमारे वेट को बियर करता है। बोन मैरो में आपकी रेड ब्लड सेल्स मिलती हैं, सॉरी सेल्स बनती हैं, आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं। इस टाइप के काम कौन कर रहा है, बोन्स। कार्टिलेज बेटा कहाँ कहाँ मिलेगा, नोज की टिप पे, ईयर पिन्ना पे। और एक याद करिए, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ मिलता था, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बेटा याद करिएगा, वर्टिब्री के बीच में मिलता था कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जिसकी वजह से बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होती है हमारी, वर्टिब्रल कॉलम में मूवमेंट होती है लेकिन लिमिटेड। फाइब्रस ज्वाइंट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है उसमें थोड़ी सी मूवमेंट होगी। ब्लड अगर आप ध्यान कीजिए बेटा, ब्लड दो चीजों से मिलके बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है? किसी को याद है प्लाज्मा कितने परसेंट था बेटा, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड में? सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, प्लाज्मा बेटा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाकी होते हैं। तीन स्पेशल प्रोटीन थी अगर आपको याद हो, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और तीसरी कौन सी थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या था, ऑस्मोटिक बैलेंस का। ग्लोबुलिन का काम क्या था, इम्यूनोग्लोबुलिन, डिफेंस, डिफेंस अगेंस्ट इंफेक्शन। फाइब्रिनोजन इज यूज इन ब्लड क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या थे बेटा, दो टाइप के थे, एक आपका था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके बाद में आपके डब्ल्यूबीसी के दो टाइप थे अगर आपको याद हो, तो डब्ल्यूबीसी के क्या दो टाइप थे,
ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में सबसे ज्यादा कौन से मिलेंगे बेटा? बेसोफिल, इसनोफिल की न्यूट्रोफिल। देखो चैप्टर हम दूसरा पूछ रहे हैं लेकिन आपको तो सब याद होना चाहिए ना पूरा कोर्स। यस ग्रैनुलर, ए ग्रैनुलर है। ग्रैनुलर में बेसोफिल होता है, इसनोफिल होता है और न्यूट्रोफिल। बेन बेन याद रखिएगा, बी सबसे कम, ई उससे ज्यादा और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, अराउंड 60%। ठीक है, और आपके ए ग्रैनुलोसाइट में होते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं कि मोनोसाइट? चलिए ये बता दीजिए जरा, लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं कि मोनोसाइट? याद रखिएगा बेटा लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं। अगर हम पूछते कि ए ग्रैनुलोसाइट में कौन ज्यादा है तब आप कहेंगे लिम्फोसाइट, अगर हम सारे WBCs में पूछेंगे तब आप कहेंगे न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। मसल टिश्यू में यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है, इनके दूसरे नाम क्या है? तो यहाँ पे तीन बातें आपको याद रखनी है, स्केलेटल इज स्ट्राइएटेड, तीसरी बात क्या है, और वॉलेंट्री है जैसे हमारी बाइसेप्स। ये तीन पॉइंट याद रखने हैं यहाँ के हिसाब से। और अगर अब हम वहां आपके लोकोमोशन वाले चैप्टर से पूछें तो कौन सा बैंड एक्टिन बनाएगा? एक्टिन कौन सा बैंड बनाएगा, लाइट बैंड की डार्क बैंड? एक्टिन कौन सा बैंड बनाएगा बेटा, लाइट बैंड की डार्क बैंड? यस एक्टिन विल मेक द आई बैंड लाइट बैंड, ठीक है, और मोटा बैंड बनाएगा आपका मायोसिन। ठीक है, तो कौन सा बैंड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, किस बैंड की लेंथ चेंज नहीं की ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन भी बेटा यही रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा बताइए कौन से बैंड की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे लेंथ चेंज नहीं होगी? एक ने आई दिया, एक ने एच कहा, एक ने ए कहा। बेटा ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये है आपका ए बैंड, ठीक है, डार्क बैंड है, ए बैंड है, ये तो इतना ही रहेगा। स्लाइड कौन सा करता है, ये वाला आपका ये वाला बैंड जो है आई बैंड, ये स्लाइड करता है, ठीक है, और जेड लाइन आपस में पास आती है, जेड लाइन पास आती है और इसी में आई लगा हुआ है, तो आई और जेड सब कुछ हिल रहा है, बीच का मायोसिन नहीं हिल रहा है, ए बैंड की लेंथ उतनी ही रहेगी। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि कौन सा बैंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, अनडिस्टर्ब रहेगा, तो कौन सा बैंड होगा? हाँ जी बेटा स्लाइडिंग होगी, अगर हम कहें अनडिस्टर्ब कौन सा रहेगा बैंड? ए बैंड जितना बड़ा बीच में है ना बेटा उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स किस शेप के होते हैं बेटा, इस शेप को क्या कहते हैं जो आगे और पीछे से बिल्कुल नुकीले सिरे होते हैं? शेप का नाम याद रखिएगा फ्यूसी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म है, स्ट्राइएटेड नहीं है, कोई भी यहाँ पे लाइनिंग नहीं है इनके ऊपर, यानी अनस्ट्राइएटेड है, और बेटा ये इनवॉलेंट्री है मतलब हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये? लाइक इन एलिमेंट्री कैनाल।
हमारे कहने से थोड़ी ना, अगर हमने कह दिया इसोफेगस में खाना रुक जाओ तो रुकेगा नहीं ना, ठीक है, खाना रुकेगा तो नहीं ना इसोफेगस में, जो काम हो रहा है वो होता रहेगा। तो इसीलिए कैसे कहते हैं इनको, इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा से नहीं चलते। कार्डियक की खास बात क्या है बेटा, कार्डियक में दोनों के कैरेक्टर है, स्ट्राइएटेड है लेकिन इनवॉलेंट्री है। इसमें जो कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, जंक्शंस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इंटर कैलेटेड डिस्क। ये स्पेशल पॉइंट है बेटा, इंटर कैलेटेड डिस्क, ठीक है। फ्यूजी फॉर्म याद रखना बेटा, ये तुम लोगों से पॉइंट छूट जाता है किस कैसा होता है अगर टेपरिंग एंड है तो। और इंटरनल ऑर्गेन्स में ये मिलेगा, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स में। इंटरकैलेटेड डिस्क, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड फ्यूजी फॉर्म्स, इतनी बातें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। न्यूरल टिश्यू में बेटा न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन के पार्ट आपको पता ही है, एक होता है मेन सेल बॉडी, डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक्सॉन होता है और नीचे एक्सॉन के टर्मिनल होते हैं। न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी में, ठीक है, निसल्स, ग्रेन्यूल भी मिलेंगे सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में। इसके अलावा 50% से ज्यादा इस टिश्यू का पार्ट कौन बनाता है, न्यूरोग्लिया, ठीक है, कौन बनाता है, न्यूरो ग्लिया। याद रखिएगा, न्यूरल टिश्यू का 50% से ज्यादा पार्ट बनाता है न्यूरोग्लिया, मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। अब ये लाइन बहुत आराम से आपसे मिस हो सकती है बेटा, इसीलिए हमने इसको कर दिया है। तो बेटा यहां से टिश्यू आपके खत्म होते हैं। एक बार हम इसका आपको चार्ट पे ओवरव्यू करा दे रहे हैं। ये देखिए, एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल में सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल में स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। फिर थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो गया तो सीलिएटेड हो सकता है या ग्लैंडुलर हो सकता है। ग्लैंडुलर में दो है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का आपका एग्जाम्पल होता है गॉबलेट सेल, यहाँ पे आ जाएगा गॉबलेट सेल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सलिवरी ग्लैंड। इसके बाद में लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियलर, एडिपोज, ये फैट का स्टोरेज करेंगे। बीनीथ द स्किन है बेटा, ऐसे चार्ट से आप अगर बना लेंगे तो बहुत आराम से रिवीजन हो जाएगा। हाँ बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा। स्पेशलाइज्ड क्या होता है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। ये नॉन प्लायबल है, ये प्लायबल है, कैल्शियम कंटेंट इसमें ज्यादा है। ब्लड आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई हुआ है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर के एग्जाम्पल क्या आते हैं, टेंडोन्स एंड लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट के लिए याद रखना है, कुछ लोग बबली करके भी याद करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। डेंस इररेगुलर कहाँ मिलता है बेटा, इन द स्किन, स्किन के अंदर। स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड होते हैं, इन ये आपके वॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ मसल क्या होते हैं, अनस्ट्राइएटेड होंगे और इनवॉलेंट्री होंगे, आपकी इच्छा से नहीं चलेंगे। बेटा इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे ना तो आपको आराम रहेगा, इसी पे आप अपना जितना याद हो आप उसको जैसे हमें अप्लाई कर दे रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। कार्डियक मसल होंगे स्ट्राइएटेड लेकिन काम करने में इनवॉलेंट्री, ठीक है। ये था आपका टिश्यू सिस्टम जो आपको ध्यान रखना है। न्यूरल सिस्टम में 50% से ज्यादा पार्ट बनाता है आपका न्यूरो ग्लिया। अब बहुत शॉर्ट में हम एक बार कॉकरोच के इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉकरोच की क्या है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसका बना है बेटा, एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का। काइटिन किसका होमोपॉलीमर है, नैग का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, ठीक है। तो इतनी बातें एक्सोस्केलेटन की याद करनी है बेटा। जो इसका एक्सोस्केलेटन है उसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, तो जो उनको क्या कहते हैं, स्क्लेराइट्स। अब स्क्लेराइट्स में बेटा चारों ओर से समझो जैसे अपना
हम लोग महाभारत या इसकी शूटिंग में देखते थे ना, पूरा चारों ओर से लोहे का कवच पहनते थे, वैसा ही होता है ये। ठीक है, तो जो बैक पे होगा यानी डोर्सल साइड पे, उसका नाम होगा स्क्लेराइट का टर्गाइट। ठीक है, उसका नाम होगा टर्गाइट। जो आगे वेंट्रल साइड पे होगा उसका नाम क्या होगा? स्टर्नाइट। साइड वाले को प्लूरा कहते हैं, आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन बेटा अभी अगर एक टाइट डिब्बे की तरह बिल्कुल टाइटली चिपके होंगे तो कॉकरोच के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। क्या हुआ संपू? नहीं बेटा, आपको कॉकरोच ही देखना है, वो भी रिड्यूस्ड में है, लेकिन थोड़ा सा हर चीज पता रहे ताकि 10 में 15 में से 10 आपको ऑप्शनल आराम से मिल जाए। तो बेटा हर ज्वाइंट पे एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ज्वाइन करता है सारी टर्गाइट्स को स्टर्नाइट और प्लूरा से। इसको क्या कहेंगे बेटा? इस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा, तो इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है, किसको याद है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब बेटा ध्यान क्या रखना है कि इसका थोरेक्स में तीन भाग होते हैं। ठीक है, आगे वाले को कहते हैं प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और तीनों यहीं से निकले हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से। लेग्स सारे थोरेक्स रीजन से हैं एक एक करके। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? विंग्स। विंग्स बेटा 2 पेयर विंग्स हैं, जो सबसे ऊपर बड़े बड़े होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं टेग्मिना। और मेटाथोरिक से हाइंड विंग लगे होते हैं जो पतले होते हैं, थिन होते हैं, ये होते हैं असली फ्लाइंग में हेल्प करने वाले। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है बेटा, इसकी जो नेक होती है ना, वो जो पहला वाला प्रोथोरिक्स की टर्गाइट होती है वही आगे जाके उसको कवर कर देती है। तो पहली टर्गाइट नेक को जो कवर करती है उस पूरे पार्ट को कहा जाता है प्रोनोटम। क्या कहते हैं बेटा? प्रोनोटम। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोनोटम कुछ और नहीं है, प्रोथोरेक्स की टर्गाइट आगे नेक को कवर कर देती है, इतना आपको ध्यान रखना है। एब्डोमिन में 10 सेगमेंट हैं, थोरेक्स में 3। एब्डोमिन में 10 सेगमेंट हैं, थोरेक्स में 3। लेग्स थोरेक्स के सेगमेंट से निकलते हैं, विंग्स भी थोरेक्स के सेगमेंट से निकलते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट याद करने वाला पॉइंट होगा वो आपका इस इंपॉर्टेंट पेज से है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 स्पेशल चीजें मिलती हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड। देखो, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, सबके में होता है। एक बार ये क्रम पूछा गया था, व्हाट इज द सीक्वेंस? क्रॉप स्टोरिंग के लिए है, और गिजार्ड में बेटा अंदर की ओर काइटिनस 6 टीथ होते हैं जो खाने की ग्राइंडिंग करते हैं। तो याद रखना, ग्राइंडिंग के लिए है गिजार्ड। 6 टीथ हैं, 6 टीथ, 6 काइटिनस टीथ। ये जो यहां तक का पार्ट है इसको आप कहते हैं फोर गट। फोर गट के अंदर लाइनिंग है थिक क्यूटिकल की। फोर गट और मिड गट के बीच में, देखो यहाँ पे 2 जॉइंट्स याद रखने हैं बेटा, फोर गट और मिड गट। इसके ज्वाइंट में मिलते हैं हिपैटिक सीका। बेटा हिपैटिक वर्ड से आपको पता चल जाएगा, ये लिवर से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये सिक्रीट करेगा। फिर क्या हुआ? मिड गट में बाकी एब्जॉर्प्शन और ये सब चल रहा है। इसके बाद में जहां मिड गट और हाइंड गट जुड़ती है वहां मिल जाएगी आपको मैल्पीजियन टिब्यूल। तो 2 जॉइंट हैं मिड गट और हाइंड के बीच में, क्या मिलेंगी? मैल्पीजियन टिब्यूल। सबको याद है मैल्पीजियन टिब्यूल का काम? एक्सक्रीशन बेटा, एक्सक्रीशन। अब इसके बाद में एक मिनट बेटा, कुछ हैंग हो रही है मेरी चैट, ऑन कर दूं। अब बेटा ध्यान से समझ लेना, फोर गट और मिड गट के बीच में है थिक
भाई खाना ऊपर से आ रहा है, उसको एंजाइम्स चाहिए। तो हिपैटिक सीका है, और मिड गट और हाइंड गट के बीच में क्या है, मेलपीजियन टिब्यूल। संख्या याद रखिएगा 6 to 8 होते हैं हिपैटिक सीका, 6 to 8 हिपैटिक सीका, और 100 से 150 होते हैं आपके मेलपीजियन टिब्यूल। बाकी हाइंड गट के 3 भाग है, इलियम, कोलम एंड रेक्टम। ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यही इसकी खास बातें थी। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, गैशियस एक्सचेंज की जिम्मेदारी यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की नहीं है। अगर बेटा कहीं पे पूरा फ्लूड भरा हुआ है तो उसमें कोई प्रेशर ही नहीं है, जल्दी वो इतनी जल्दी से गैशियस एक्सचेंज कर नहीं सकता, इसलिए ये गैशियस एक्सचेंज की जिम्मेदारी इसकी नहीं है। यहाँ पे जो आपका सेल्स होती हैं, ब्लड की सेल्स होंगी, और दूसरा क्या होगा आपका, हीमोलिम्फ होगा। हीमोलिम्फ व्हाइट कलर का होगा, उसमें प्लाज्मा कलरलेस होता है क्योंकि वहां पे पिगमेंट कुछ भी नहीं है गैसेस कैरी करने के लिए, ये बात ध्यान रखने वाली है। एलरी मसल्स होते हैं 12 pairs। हार्ट होता कहाँ है बेटा, नॉन कॉर्डेट्स में, हमारे जस्ट अपोजिट, हमारा वेंट्रल है तो उनका डॉर्सल है, बिल्कुल बीचों बीच में है। हार्ट एक है चैम्बर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 heart 13 chambers, ठीक है। और इन चैम्बर्स में ब्लड घुसेगा क्यों, क्योंकि ये पीछे से क्लोज्ड है, पीछे से क्लोज्ड है। साइड साइड में ऑस्टिया होते हैं छेद, जिनसे एंट्री करेगा साइनसिस से, तो ये बात याद रखने वाली है बेटा। हीमोग्लोबिन नहीं है बेटा, पिगमेंट नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, हीमो लिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा है, और सेल्स होंगी हीमोसाइट्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा यहाँ पे क्या है, पूरी बॉडी में साइड में, पूरी बॉडी के साइड में स्पाइरिकल्स हैं, 10 pair छेद हैं। यहाँ से ट्रेकिया जाती है, जिनके पार्ट्स को कहते हैं ट्रेक्यूल्स, यहाँ से एयर लेके गए और डायरेक्टली टिश्यूज को दे दिया, तो एयर एक्सचेंज का काम ब्लड का नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। याद क्या रखना है, 10 pairs ऑफ स्पाइरिकल्स हैं, दोनों साइड पे हैं और डायरेक्ट चेंज हो जाता है। यूरिक और टेलिक है, ये यूरिक एसिड को सिक्रीट करता है, मेलपीजियन टिब्यूल इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। आईज बेटा दो टाइप की है, सिंपल एंड कंपाउंड, ऑसिलस एंड कंपाउंड आईज, ठीक। कंपाउंड आईज में क्या होता है बेटा, ऐसे हेक्सागोनल बना होता है, हेक्सागोनल ओमेटीडिया होंगे, 2000, एक आंख में 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कितने हैं, 2000। अब बेटा रात को देखना है तो सेंसिटिविटी तो ज्यादा है, सेंस तो कर लेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजोल्यूशन नहीं कर पाएगा। उसको ये नहीं देखना है कि ये देखने में कैसा लग रहा है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये कीड़ा है तो उसको पता है उसको खाना है, तो सेंसिटिविटी तो ज्यादा है, सेंस कर लेगा चीजों को, लेकिन रिजोल्यूशन ब्लर है, हर चीज उसे ब्लर दिखेगी। होता क्या है, अगर ये एक कीड़ा उसको देखना है तो अब हर ओमेटीडिया इसकी एक एक पार्ट की इमेज बनाएगा, तो ये इमेज इसको दिख तो जाएगी बढ़िया से लेकिन ब्लर होगी, तो सेंसिटिविटी तो अच्छी है लेकिन ब्लर है। तो याद रखना, सेंसिटिविटी मोर है और देखने का रिजोल्यूशन, कितना साफ इमेज बना है, रिजोल्यूशन इज लेस। इस टाइप से जो छोटे छोटे टुकड़ों में इमेज बनती है, दैट इज नोन एज मोजैक विजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा ये। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत शॉर्ट में बता रही हूं, टेस्टिस हैं, 3 लोब के हैं, 1, 2 एंड 3। लोब के नाम आपको देखने पड़ेंगे, 4, 5, 6। इससे जो निकलेगी दैट इज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जाके आएगी इजैकुलेटरी डक्ट में। नॉर्मल ह्यूमन में भी ये नाम हमने देखे हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, स्पर्म्स निकले, और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म्स निकले, सेमाइनल वेसिकल में इकट्ठा हो गए, फिर ये जो बीच की स्मॉल टिब्यूल्स मशरूम ग्लैंड के हैं, ये उसको खाना पीना देंगे, नरिशमेंट मिलेगा। इसके बाद पहली लेयर बनेगी स्पर्म्स के चारों ओर, पहली लेयर बनाएगी आपकी ये जो मशरूम ग्लैंड है, ठीक है। आगे आएंगे इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट इसकी दूसरी लेयर बनाएगी, ये बनाया इजैकुलेटरी डक्ट ने। फिर तीसरी डक्ट बनाता है ये फैलिक ग्लैंड, तो ये तीन
लेयर से घिरे हुए स्पर्म्स का नाम होता है स्पर्मेटोफोर। अगर पूछा जाए स्पर्मेटोफोर पे कितनी लेयर है, क्या याद नहीं हो पाता है बेटा? कोई दिक्कत होगी नहीं संपू, वैसे परेशान मत हो, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है बेटा। आपको टेस्टिस है, टेस्टिस से आए स्पर्म्स, वास डिफरेंस में आए, वास डिफरेंस से यहीं पे पीछे सेमाइनल वेसिकल है, वहां पहुंचेंगे, नरिशमेंट देगा बीच वाला भाग। तीन लेयर बननी है, तो पहली लेयर बनाएगा ये मशरूम का सनफ्लावर ग्लैंड, फर्स्ट लेयर इसने बनाई, सेकेंड इजैकुलेटरी डक्ट ने बनाई, और तीसरी इसने बनाई। बस तुम ऐसे नंबरिंग लिख लो, तीन लेयर चारों ओर बन गई और उसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। अब क्या होता है, ये स्पर्मेटोफोर को बाहर छोड़ता है, और यहाँ पे स्पर्मेटोफोर जब आएगा ना तीन लेयर का, तो इसका बाहर से कवर टूट जाएगा, बाहर से कवर टूट जाएगा, सारे स्पर्म्स एंट्री करेंगे। इसकी एक स्पेशल थीका है जिसे कहते हैं स्पर्मा थीका। अब गड़बड़ क्या होगी, स्पर्मा थीका जब पूछेंगे ना तब सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ये स्पर्म से रिलेटेड है तो मेल में मिलता है। स्पर्म का थैला किसके पास है, फीमेल के पास है, ठीक है, वो स्पर्म्स को स्पर्मेटोफोर से फोड़ के अपने पास स्पर्मा थीका इस थैले में रख लेगी। जब ओवरी से हर एक ओवरियोल से एक एक ओवम निकलेगा और यहां से स्पर्म रिलीज होगा, तो बाहर जब स्पर्म और ओवम आएंगे तब यहाँ की एक ग्लैंड है कोलेट्रियल ग्लैंड, ये इसके चारों ओर एक लेयर बनाएगी और इसको कहेंगे कोकून। अब इसमें है आपके स्पर्म भी ओवम भी, लेकिन ये सब लाइन से अरेंज होंगे, आठ आठ की लाइन में अरेंज होंगे। तो बेटा यही है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी कुछ खास नहीं है, फर्टिलाइजेशन बाहर ककून में हो रहा है ये याद रखना है। कोलेटरल ग्लैंड मिलती है फीमेल में, आठ से एक ओवरी में आठ ओवम बन सकते हैं। स्पर्मा थीका इज प्रेजेंट इन, थीका मतलब थैला, थैला मिलेगा फीमेल में, स्पर्मेटोफोर कितने फोड़ना होगा उसको बाद में, तीन लेयर होंगी उस पे, पहली लेयर मशरूम ग्लैंड, दूसरी लेयर इजैकुलेटरी, तीसरी लेयर कोलेट्रल। इसके बाद में बेटा लार्वे के साथ क्या होगा, लार्वे का आपको डेवलपमेंट पता होना चाहिए, पैरामेटाबोलस। पैरामेटाबोलस में क्या होगा बेटा, पैरामेटाबोलस में जो लार्वा होता है वो रहता वही है जहां एडल्ट रहता है, जमीन पे ही रहेगा वो लार्वा भी, ठीक है, निम्फ रहेगा जमीन पे लेकिन देखने में छोटा होगा, पैरा पैरा मेटाबोलस, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, पैरामेटाबोलस याद रखना, कितनी बार ये मोल्टिंग करेगा, कितनी बार लार्वा मोल्टिंग करता है याद रखना, 13 टाइम्स। विंग्स कब बनते हैं, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, ये तीन पॉइंट याद रखना, पोरो मेटाबोलस, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, और 13 टाइम्स मोल्टिंग करेगा, इतना आपको याद होना चाहिए, यही है आपका कॉकरोच का मेन पॉइंट्स। इसको एक बार इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स को भी रीड कर लेंगे तो काफी काम हो जाएगा। बस 5 मिनट में आपको आज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपको एक रिव्यू दे दे रहे हैं। जैसे पूछा गया था कि सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो मूविंग पार्टिकल्स और म्यूकस के लिए हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स, सबको पता है ये बात। अगली बात, माउथ फेरिंग्स ईसोफेगस देन क्रॉप देन गिजर्ड, गिजर्ड में क्या थे, काइटिन के टीथ, कितने टीथ थे, सिक्स, इलियम कोलम रेक्टम, गिजार्ड इलियम कोलम रेक्टम, गिजार्ड के बाद बीच में आता है मिडगट, मिडगट और गिजार्ड के बीच में था हिपेटिक सीका, मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या था, मेलपीजियन टिब्यून। कॉडल स्टाइल या एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। फ्रॉग आपका है नहीं कोर्स में तो हम उसके क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं। स्मूथ मसल कहाँ मिलेगा बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड स्टमक में। देखिए बुक का ही क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी हमने बताया था मेल कॉकरोच में स्पर्म जब रिलीज हो जाते हैं तो कहाँ पे उसको स्टोर करते हैं, सेमाइनल वेसिकल में, और जब उन्हें छोड़ना होता है बाहर तब उस पे कवरिंग बनती है तीन,
पहली मशरूम ग्लैंड, दूसरी इजैकुलेटरी डक्ट और तीसरी बनाती है आपकी कौन सी ग्लैंड थी? क्लब शेप ग्लैंड थी ना पीछे, वो बनाती है। बेटा ह्यूमन स्पर्म की वायबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है, कॉकरोच पे इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करी है। इसको ऐसा रखिए कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका छूटे ना। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री, फ्यूजीफॉर्म एंड नॉन स्ट्राइटेड। स्क्लेराइट्स जो होती हैं उनको कौन जोड़ता है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। गैप जंक्शन का काम क्या होता है बेटा? रैपिड ट्रांसफर करना मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरे सेल। टेंडॉन किस टाइप का है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर इज ऑल्सो अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। स्किन में मिलते हैं, इन द स्किन डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फ्रॉग का देखना नहीं है। कॉकरोच में मेलपीजियन टिब्यूल होती है, ग्राइंडिंग होती है माउथ और गिजार्ड से। नर्वस सिस्टम में कैसी नर्व कॉर्ड होगी बेटा? नॉन कॉर्डेट्स हैं। हमारे में डॉर्सल है तो इनके में वेंट्रल होगी, डबल होंगी और सॉलिड होगी, गैंग्लियॉन्स होंगे। मेल्स में क्या होंगे? एनल स्टाइल्स होंगे। फेरिटिमा है ये तो। अब ये पूछ रहा था मेल्पीजियन टिब्यूल कहाँ मिलती है बेटा? मेल्पीजियन टिब्यूल कहाँ मिलते हैं? मिडगट और हाइंडगट के बीच में। और हिपेटिक सीका कहाँ मिलता है? फोरगट। और देखो तीन है बेटा, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इन दोनों के बीच में मिलते हैं 6 से 8 हिपेटिक सीका। इन दोनों के बीच में मिलती है मेल्पीजियन टिब्यूल। अब बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड से नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत स्लो सिस्टम है, यहाँ पे पाइपलाइन सिस्टम नहीं है ना, तो ओपन सिस्टम में ब्लड से नहीं एक्सचेंज होता। किससे होता है? डायरेक्ट ट्रेक्यूल्स से होता है, डिफ्यूजन से। सिक्रीट क्या करते हैं ये लोग? एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो। सिलिएटेड क्यूबॉइडल अगर है तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, कुछ भी इसमें अलग नहीं था। सेल जंक्शंस टाइट एडहेरिंग एंड गैप, किस वाले सेल्स में मिलेंगे बेटा? किस टिश्यू में? एपिथेलियल टिश्यू में ये जंक्शंस मिलेंगे। टिप ऑफ नोज इज अ कार्टिलेज। 10 pairs ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, 2 pair होते हैं थॉरेक्स में और 8 pair होते हैं अब्डोमेन। तो बेटा ये आपका पूरा चैप्टर था, आपने प्रीवियस ईयर का भी प्रीव्यू ले लिया, कॉकरोच भी देख लिया और सारे टिश्यूज भी देख लिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। हम वीडियो के नीचे डाल देंगे कल क्या शुरू होना है। सो सी यू टुमारो ऑल्सो। प्लांट फिजियोलॉजी में मे बी अब हम फोटोसिंथेसिस शुरू करें, ठीक है? तो जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं हम उनको पहले कर रहे हैं, या तो फोटोसिंथेसिस से शुरू करेंगे या तो सेल डिवीजन से। ओके बेटा, सी यू ऑल टुमारो। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी।